दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ये नहीं चाहते कि देश का बच्चा शिक्षित हो। ये मनीष सिसोदिया जी का दोष है कि उन्होंने दिल्ली के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम किया, देश के लोगों को बेहतर शिक्षा मॉडल देने का काम किया। ये मनीष सिसोदिया का गुनाह था। और जो उनका यार अडानी है, देश के 130 करोड़ लोगों का पैसा लूटकर अपने जेब में भरकर विदेशों में अपने भाइयों को पहुंचा रहा है, उस यार को बचाने का प्रयास मोदी जी कर रहे हैं और देश के शिक्षा मॉडल को समाप्त करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। इसको लेकर हम लोगों ने आज मदानी का पुतला फूंका है। मदानी का मतलब है मोदी और अडानी। हम लोगों ने मदानी का पुतला फूंककर विरोध किया कि जल्द से जल्द लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को रिहा किया जाए, नहीं तो हम लोग सड़क पर जेल भरो आंदोलन करेंगे, क्योंकि सड़क गर्म होगी तभी सदन बेहतर चलेगी, क्योंकि सड़क गर्म नहीं होगी सदन बेलगाम होगी, और वही हो रहा है। सर्वेश यादव जिला अध्यक्ष, आप प्रयागराज। आज हम लोग मनीष सिसोदिया जी को जेल में तेरे मोदी जी ने अनैतिक तरीके से जेल में बंद कर दिया है, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा को मोदी जी दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। शिक्षा मॉडल सिसोदिया जी ने देश विदेश में इतने अच्छे तरीके से दिया है कि मोदी जी को शर्म करनी चाहिए कि वो बच्चों को अगर शिक्षा नहीं दे सकते तो उनको उनसे जाके सीखना चाहिए कि शिक्षा मॉडल किस तरीके से हम अपने यूपी में भी दे सकते हैं। पल्लवी मांगिया, महिला जिलाध्यक्ष, उत्तर प्रयाग।